सो अब ऐसी चीज़ों, लोगों, फीलिंग्स और एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट ज़रूर बना लें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ये आपको ये जानने में हेल्प करते हैं कि आपको लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है और एक्चुअली आपको क्या अच्छा लगता है। इसके लिए कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को भी ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे आपको अपनी पसंद नापसंद को समझने का मौका मिलेगा और आप खुद को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, खुद को माफ़ करें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बीते हुए समय में किए हुए गलतियों के लिए माफ़ करना होगा, जिन गलतियों को लेकर आप शर्मिंदा होते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले तो आपको ज़रूरत है इस बात को मानने की कि अपने पास्ट में आपने जो भी किया था वो गलत था। फिर खुद को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। इस तरह अगर आप अपने से किए हुए किसी गलत फैसले के लिए अपने आप को दोषी मान रहे हैं या खुद को कोई हर्ट करने वाली बातें कह रहे हैं, तो फिर आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सो बी काइंड टू योरसेल्फ। और ये बात भी जाननी चाहिए कि आप एक इंसान हैं और लोग गलतियां करते हैं, और गलतियां करना और उनसे सीखना ये भी एक तरीका होता है खुद को इम्प्रूव करने का। इसलिए इसे एक्सेप्ट करें और खुद को भी माफ़ करें, तभी आप खुद की इज्जत कर पाएंगे।